हेलो बच्चों, तो आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज, उस चैप्टर का नाम क्या है? नाम सुनिएगा, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और क्या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। देखिए ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये चैप्टर बेटा, इस चैप्टर के अंदर बहुत ही रेयर बच्चों क्या होती है, अच्छे से कमांड होती है। उसका रीजन क्या है? सर उसका रीजन ये कि चैप्टर जो है थोड़ा सा टफ कैटेगरी के अंदर आता है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताने चाहूंगा कि अगर आप इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं इस समय, तो मेरी बातों को बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है? ठीक है, तो आपको इस चैप्टर के अंदर काफी बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। और अगर आपने बातों को मेरी बहुत ध्यान सुना, तो बच्चों एक बात सुनना, आप इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से मास्टरी कर लोगे, ठीक है? ठीक है, तो देखिए अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो जब चैप्टर कैसे शुरू करना है, नाम क्या बेटा इसका? अमलगमेशन। क्या नाम है बेटा? एब्जॉर्प्शन। और क्या नाम बेटा? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ज्यादातर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे सर इन तीनों चीजों को क्या लेते हैं, अलग अलग लेके चलते हैं। और ऑब्वियसली होता है अलग अलग ही है इनके मीनिंग, इनके मीनिंग भी क्या है, अलग अलग ही है। देखिए कैसे, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड, ठीक है, एक छोटी सी कंपनी, क्या नाम है उसका? एक्स लिमिटेड। एक कंपनी और है जिसका नाम क्या बच्चे? वाई लिमिटेड। क्या नाम बेटा? वाई लिमिटेड, ठीक है। ये एक्स लिमिटेड और क्या बेटा, वाई लिमिटेड जो है मिलकर क्या करती है, एक नई कंपनी स्टार्ट करती है जिसका नाम क्या होता है बेटा? जेड लिमिटेड। क्या नाम होता है बेटा? जेड लिमिटेड। मतलब एक छोटी कंपनी और एक और दूसरी छोटी कंपनी, इन दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई। और ये कंपनी कैसी है? ये कंपनी काफी बड़ी है, ठीक है, इससे, इन पुरानी वाली कंपनी से, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? अमलगमेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अमलगमेशन। मैं दोबारा बता रहा हूं, जब दो छोटी छोटी कंपनियां आपस में मिलकर एक नई कंपनी क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है, फॉर्म करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अमलगमेशन। ऐसा क्यों करते हैं सर? वो ऐसा इसलिए करते हैं कि मार्केट में जो अननेसेसरी का कॉम्पिटिशन है, उस कॉम्पिटिशन को करने के लिए, रिमूव करने के लिए। जैसे आपने शायद सुना होगा, हीरो और होंडा आपस में मिल गए थे, है नहीं है? हीरो और होंडा आपस में क्या हुआ, मिल गए थे, तो उन्होंने क्या बनाया था? हीरो होंडा बनाया था, बनाया था, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? अमलगमेशन बोलेंगे। क्या कह रहे हो? हीरो और होंडा क्या हो गया, अलग अलग हो गया, तो बच्चे इसको हम बोलते हैं डीअमलगमेशन। लेकिन हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, केवल अमलगमेशन। क्या पढ़ना है? अमलगमेशन। तो हम किस पे फोकस करेंगे? सिर्फ अमलगमेशन पर फोकस करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। मैंने क्या बताया आपको, एक्स लिमिटेड ने और वाई लिमिटेड ने मिलकर क्या बनाया, जेड लिमिटेड बनाया। तो जब दो छोटी छोटी कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी, एक नई बड़ी कंपनी का निर्माण करती है, हम क्या बोलते हैं बेटा? अमलगमेशन कहते हैं, ठीक है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, आपने शायद एक पुराने जमाने में एक कंपनी का नाम सुना होगा जिसको हम जानते थे, हच, है नहीं है? एक कंपनी कौन सी थी? हच, ठीक है? ठीक है, और एक कंपनी कौन सी बेटा? वोडा, वोडाफोन, जिसको हम बेसिकली वोडाफोन के नाम से जानते हैं। तो शायद आपको एक बात बताओ कि वोडाफोन ने हच लिमिटेड के बिजनेस को क्या करा था? परचेज कर लेता, परचेज कर लेता। या फिर आप कह सकते हो कि वोडाफोन ने हच लिमिटेड के बिजनेस को क्या कर लेता, अपने में मर्ज कर लिया था, या फिर उसको क्या कर लेता, अपने में मिला लिया था। तो इस प्रोसेस को मेरे बच्चे हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। जब एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को अपने अंदर मिला लेगी, जब एक बड़ी कंपनी जब एक छोटी कंपनी को अपने अंदर क्या कर लेगी, उसे मिला लेगी, मर्ज कर लेगी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर बेटा क्या होता है कि जो बड़ी कंपनी है उसका नाम क्या होता है? आगे चल के कैरी करता है। क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या होता है? आगे चल के कैरी करता है, ठीक है? ठीक है, ध्यान देना इस बात को, ठीक है? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? एब्जॉर्प्शन, ठीक है? ठीक है, चलिए बहुत सिंपल है। अच्छा, एक प्रोसेस और है जिसका बोलता है क्या? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। बेटा जी, आपने शायद एक नाम सुना होगा, ये बहुत बदनाम नाम रह चुका अपने टाइम में, यूटीआई बैंक। सुना नहीं सुना? अरे बोलो ना, सुना है ना? कौन सा बेटा? यूटीआई बैंक। इस यूटीआई बैंक का अभी फिलहाल करंट में क्या नाम है बेटा? एक्सिस बैंक। क्या नाम है बेटा? एक्सिस बैंक, ठीक है? ठीक है, एक्सिस बैंक। तो यूटीआई बैंक में क्या हुआ था, एक्चुअली बहुत सारे गड़बड़ घोटाले, बहुत सारी फ्रॉड होने लगे थे। तो पब्लिक का जो ट्रस्ट था इस यूटीआई बैंक से हटने लग गया। तो पब्लिक ने क्या करा, इस यूटीआई बैंक से पैसा अपना विड्रॉ करने लग गए। तो भाई यूटीआई बैंक ने क्या काम करा कि अपना नाम चेंज कर दिया। देखो, अपना नाम क्या कर लिया हमने? चेंज कर लिया। अपना नाम क्या कर लिया? चेंज कर लिया। और अब देखो, एक्सिस बैंक की अच्छी खासी क्या बन गई है? एक रेपुटेशन बन गई मार्केट में। बन गई नहीं बन गई?
शायद आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से क्या लगा था 5% इंस्टेंट डिस्काउंट, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट या फिर क्या 5% कैशबैक लिखा था, लिखा था। तो कहीं ना कहीं उसने पुराने नाम के साथ अपनी सारी पुरानी बदनामियों को क्या करा, धो डाला। उसने अपने पुराने नाम के साथ क्या करा, अपनी पुरानी बदनामियों को करा, धो डाला। तो उसी टाइप से बच्चे की बात आ रही ना कि जब हम लोग, जब एक पुरानी कंपनी, जब एक पुरानी कंपनी अपने ही नाम को, ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने ही नाम को क्या करती है, चेंज करके बिजनेस स्टार्ट करती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब कंपनी तो सेम है, बस उसने क्या करा, अपने नाम को चेंज कर लिया, ठीक है, ठीक है, क्या कर लिया, अपने नाम को चेंज कर लिया। तो मैंने क्या बताया आपको, जब दो छोटी छोटी कंपनी मिलकर नई कंपनी का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, यानी कि फॉर्म करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्या, अमलगमेशन। जब एक बड़ी कंपनी अपने अंदर एक छोटी कंपनी को मर्ज कर लेगी, उसको संभाल लेगी, दैट इज कॉल्ड क्या, एब्जॉर्प्शन। और बच्चे जब एक पुरानी कंपनी, ठीक है, अपने ही नाम को चेंज करके या फिर किसी प्रोसेस से कर अपने नाम, मतलब अपने पुराने नाम को हटाकर अपने नए नाम से क्या करती है, बिजनेस को शुरू करती है, दैट इज कॉल्ड क्या, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्या मेरी बात सुन रही, इसको हम क्या बोलेंगे, अमलगमेशन। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एब्जॉर्प्शन। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्या मेरी बात सुन रही, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात सुन रहा, मैं आपको एक बात और बता दूं, क्या हम लोग जो क्या करेंगे बेटा, ये जानना, ये जो दोनों कंपनियां हैं इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ओल्ड कंपनी। क्या बोलेंगे बेटा, ओल्ड कंपनी, धारणा। और जो ये आई बनकर इसको हम क्या बोलेंगे, न्यू कंपनी, ठीक है। क्या कह रहे हो, आपको ये बात पता है तो बहुत अच्छी बात पता है, लेकिन फिर भी आपको अपने माइंड में हमेशा ये बात ध्यान रखनी है क्या, कि ये वाली जो कंपनियां हम क्या बोलेंगे, ओल्ड कंपनी, और ये जो बन गया हम क्या बोलेंगे, न्यू कंपनी, ठीक है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होगा, इसमें क्या होगी, ओल्ड कंपनी ये होगी और ये भी क्या कहलाएगी, ओल्ड, और जो भी फॉर्म हुआ डेट इज कॉल क्या बेटा, न्यू, ठीक है, ठीक है, न्यू। खैर इसे ओल्ड हटा दो थोड़ा, ये क्या कहलाएगा, ओल्ड, और ये क्या कहलाएगा बेटा, न्यू, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं आपको चीज समझा दू, ये तीनों बच्चे जब इस 90% बच्चों को भाई कॉम्प्लिकेशन किस चीज की होती है, सर इस चीज की होती है क्योंकि वो इस प्रोसेस को क्या करते हैं, अलग अलग लेके चलते हैं। कैसे, वो अमलगमेशन को अलग लेके चलते हैं, वो एब्जॉर्प्शन को अलग लेके चलते हैं, वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन को क्या लेके चलते हैं, अलग लेके चलते हैं। तो इससे क्या होता है सर, उन्होंने चैप्टर को स्टडी करने में काफी ज्यादा दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। तो मेरी बात तो बहुत ध्यान सुनिएगा, हम एक काम करेंगे, हम ना अकाउंटिंग पर्पज के लिए, मैंने कहा यहाँ पे हम अकाउंटिंग पर्पज के लिए इन तीनों कंडीशन को क्या लेके चलेंगे बेटा, एकदम सेम लेके चलेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, बोलो क्या, कि हम इन तीनों कंडीशन को क्या लेके चलेंगे, एकदम सेम लेके चलेंगे, इसलिए अकाउंटिंग पर्पज के लिए। तो ठीक है जी, ठीक है, क्या मेरी बात समझ आ रही है, ध्यान रखना। अब मैं बता रहा हूँ आपको, अब हमें इस चैप्टर के अंदर किन किन चीजों को पढ़ना है, ध्यान सुनिएगा। पहली जो चीज हम पढ़ेंगे बेटा वो क्या पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेशन ऑफ, ध्यान सुनिएगा, क्या, कंप्यूटेशन ऑफ क्या है यहाँ पे, परचेस कंसिडरेशन। क्या बोला मैंने यहाँ पे, परचेस कंसिडरेशन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम देंगे बेटा, पीसी का नाम देंगे, बराबर, क्या नाम देंगे बेटा, पीसी का। अच्छा एक चीज और है, हम लोग क्या करेंगे, सेकंड चीज को क्या स्टडी करेंगे, कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ध्यान सुनिए मेरी बात को, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, इन द बुक्स ऑफ क्या लिखते हैं मैंने यहाँ पे, ओल्ड कंपनी, ठीक है, ठीक है। और थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ध्यान सुनना, क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ क्या आएगा, न्यू कंपनी, क्या आएगा बेटा, न्यू कंपनी, ठीक है, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, तो बेटा मैंने क्या बताया अभी आपको, चलो आपने हमें बताया अमलगमेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। अमलगमेशन में क्या हुआ, दो छोटी छोटी कंपनी मिलकर न्यू कंपनी को बनाया, कंपनी कैसी होगी, बड़ी होगी, इसलिए करते हैं मार्केट में से अननेसेसरी कॉम्पिटिशन को रिमूव करने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या वाला बना है, हर्ष लिमिटेड, दूसरा हमने कहा था वोडाफोन लिमिटेड, वोडाफोन लिमिटेड ने क्या करा, हर्ष लिमिटेड को बिजनेस क्या कर लिया था, अपने में मर्ज कर लिया था, अपने में मिला लिया था। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या हुआ कि बिजनेस, मतलब कंपनी तो सेम है, बस उसने क्या करा, अपने नाम को चेंज करके किसी दूसरे नाम से क्या करा, बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब आगे हम पढ़ते हैं, देखिएगा, बहुत सिंपल है, टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो पहला जो मैं टॉपिक आपके सामने कह रहा हूँ ना,
कंसिडरेशन क्या बोला मैंने, पहला जो मैंने क्या लिखा आपके सामने टॉपिक क्या लिखा, आज जो हम स्टडी करेंगे वो टॉपिक का नाम क्या बेटा, परचेज कंसिडरेशन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में से हम क्या बोलते हैं पीसी। तो बेटा पीसी क्या होता है, पीसी को स्टार्ट करने से पहले आपको छोटा सा एक बात करना चाहूंगा। मान लो हमारा जैसे ये मान लो हमारा क्या है, ये हच लिमिटेड है बेटा, हच लिमिटेड ठीक है, और ये हमारा क्या बेटा आता वोडाफोन, क्या बेटा वोडाफोन लिमिटेड है बेटा। एक बात बताओ, जब वोडाफोन ने हच का बिजनेस क्या करा, परचेस किया हुआ, दोबारा बोल रहा हूँ, जब वोडाफोन ने हच लिमिटेड का बिजनेस को परचेस किया हुआ, तो उस परचेस के बदले, सुनना मेरा दोबारा, उस परचेस के बदले कुछ अमाउंट तो दिया होगा कि हाँ भाई तुम्हारे बिजनेस की इतनी वैल्यू है, तो इस बिजनेस की वैल्यू को आप लिए ले लो। मान लो अगर इस हच लिमिटेड के बिजनेस की वैल्यू है 50 लाख, तो भाई वोडाफोन क्या करेगा, उसके बदले क्या करेगा, उसे 50 लाख की पेमेंट करेगा करेगा। तो इसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, परचेज कंसिडरेशन, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम पीसी। ठीक है ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान सुनिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अच्छा, मैं अपनी बात को दोबारा चेंज करने आ रहा हूँ, क्या वोडाफोन हच लिमिटेड के बिजनेस को परचेज करने के बदले जो अमाउंट उसके किसे देगा, ऑनर को देगा, किसे देगा, ऑनर को। दोबारा बोल रहा हूँ, वोडाफोन हच लिमिटेड के किसे देगा, ऑनर को देगा। और ध्यान रखना, और कंपनी के जो ऑनर होते हैं वो कौन कौन होता है सर, एक होता है इक्विटी, क्या होता है बेटा एक इक्विटी, और दूसरा कौन सा बताओ प्रेफरेंस, क्या होता है दूसरा कौन सा बताओ प्रेफरेंस। ध्यान रखना, कंपनी में दो तरह के क्या होते हैं शेयर होल्डर होते हैं, एक कौन सा होता है इक्विटी शेयर होल्डर, एक कौन सा होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इसका मतलब यह कि जब वोडाफोन हच लिमिटेड का बिजनेस को परचेस करने जाएगी, तो वो पेमेंट किसको करेगी सर, उसके ऑनर को, और उसके ऑनर कौन कौन होंगे, एक तो कौन सा होगा इक्विटी, दूसरा कौन सा होगा बेटा बताओ प्रेफरेंस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बोलो कि वोडाफोन जो है किसको पेमेंट करेगा, उसके ऑनर को, और ऑनर का नाम कौन कौन है, एक इक्विटी और कौन सा एक प्रेफरेंस। ठीक है ठीक है, ध्यान रखिए, यहां पे लिखेगा आप मेरे साथ क्या, इट इज द अमाउंट पेबल बाय न्यू कंपनी टू द क्या लिखा मैंने, शेयर होल्डर। और ये शेयर होल्डर कौन कौन से होंगे सर, एक का नाम तो क्या होगा इक्विटी होगा, और दूसरे का क्या आंसर बताओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्या होगा बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, मैंने कहा पे इट इज अमाउंट पेबल बाय द न्यू कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड, क्या है यहां पे कंपनी, और ओल्ड कंपनी फॉर क्या लिखा मैंने यहां पे परचेजिंग इट्स बिजनेस। ठीक है ठीक है, क्या बात सुन आई, अरे दोबारा रिपीट करता हूं, बोलो क्या, इट इज अमाउंट पेबल बाय न्यू कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी फॉर परचेजिंग क्या इट्स बिजनेस, जो उसने उसके बिजनेस का क्या परचेज किया, जो उसने उसके बिजनेस का क्या परचेज किया, उस परचेज के बदले जो अमाउंट को पेमेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड क्या शॉर्ट फॉर्म में पीसी, क्या बोलेंगे हम पीसी बोलेंगे। अब ध्यान से लेंगे आपको, अभी तक ध्यान सुनिए, अब पीसी को कैलकुलेट करने के तरीके, सर पीसी को कैलकुलेट करने के तरीके, यानी जो मेथड है हमारे पास, वो जो मेथड है, तो मेथड बेटा कितने टाइप से था सर, दो टाइप से हमारे पास मेथड है, कितने टाइप से बेटा मेथड है, दो टाइप से सर। पहला मेथड कौन सा है, पहला मेथड का नाम है नेट असेट मेथड, क्या नाम है बेटा नेट असेट्स क्या नाम है मेथड, जी हाँ। और दूसरे मेथड का नाम क्या बेटा नेट पेमेंट मेथड, क्या बेटा नेट पेमेंट मेथड। ठीक है ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्या नेट असेट मेथड, इसका नाम क्या है नेट पेमेंट मेथड। ठीक है ठीक है, आइए आज जो हम बात करने आ रहे हैं, वो बात करने आ रहे हैं किसके बारे में, नेट असेट मेथड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, देखिएगा आपसे हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे कि असेट ऑफ ओल्ड कंपनी टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी एट
मार्केट वैल्यू, मतलब जो पुरानी कंपनी की जो असेट होगी ना, जो पुरानी कंपनी क्या होगी, जो असेट होगी, उस असेट की कौन सी वैल्यू लूंगा मैं, मार्केट वैल्यू। कौन सी वैल्यू लूंगा बेटा, मार्केट वैल्यू, ठीक है। और इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, लायबिलिटीज ऑफ ओल्ड कंपनी, ठीक है, ठीक है, लायबिलिटीज ऑफ क्या, ओल्ड कंपनी टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी एट पेबल वैल्यू, एट क्या है, पेबल वैल्यू, जी हाँ, ये हमारा क्या कहलाएगा, पीसी। मतलब क्या मतलब, मतलब तो बहुत सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल है, मतलब जो पुरानी कंपनी है, जो मतलब क्या बेटा, जो पुरानी कंपनी है उसकी कौन सी बेटा, असेट, उसकी क्या असेट, मतलब जब बिजनेस को परचेस करने जाएगी, जब वोडाफोन हच लिमिटेड के बिजनेस को जब परचेस करने जाएगी, तो उसकी जो असेट होगी, किसकी असेट होगी, हच लिमिटेड की जो असेट्स होगी, तो वो हच लिमिटेड की असेट्स को क्या करेगी भाई, अपने ले लेगी, खरीदेगी, खरीदेगी किस वैल्यू पे खरीदेगी सर, मार्केट वैल्यू पे, किस पे बेटा, मार्केट पे। मार्केट पे मतलब क्यों सर, मार्केट पे इसलिए, मान लीजिए मैं इस समय जिस जगह पे पढ़ा रहा हूँ, सुनिए बहुत ध्यान से, जिस जगह पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मान लीजिए सर मैं 30 लाख में खरीदी थी, कितने खरीदी बेटा, 30 लाख में खरीदी थी, ठीक है, और आज से आने वाले 10 साल के बाद अगर मैं जब बेचूंगा, ठीक है, इसको सेल करूंगा किसी को, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू 30 लाख रहेगी नहीं सर, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जो बड़ी हुई वैल्यू है उसी वैल्यू को मैं क्या बोलूंगा, मार्केट वैल्यू बोलूंगा, क्या बोलूंगा, मार्केट वैल्यू बोलूंगा। तो ध्यान रहेगा हमेशा, जब भी हम पीसी को कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा में हमें यहाँ पर कौन से वैल्यू लेंगे, मार्केट वैल्यू बोलेंगे, ठीक है, कौन सी वैल्यू बोलेंगे, मार्केट वैल्यू को, बुक वैल्यू को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, मार्केट वैल्यू को, ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, मान लो मैंने इस असेट के ऊपर, मान लो मैंने इस असेट के ऊपर क्या रखा था, कोई लोन ले रखा था, मान लो मैंने असेट्स के ऊपर, जिसके अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ समय, इस असेट के ऊपर मैंने क्या रखा था, कोई लोन ले रखा था, तो जो लोन है, तो जो लोन है वो किसके अगेंस्ट है, इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, तो जिस इंसान ने मेरी इस प्रॉपर्टी को परचेस किया होगा उसका क्या होगा, वो इसकी लायबिलिटी को भी क्या करेगा, बियर करेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो इंसान इस प्रॉपर्टी को परचेस करेगा वो इसके असेट्स वैल्यू के साथ क्या करेगा, इस लायबिलिटी को भी क्या करेगा, बियर करेगा। मान लीजिए इसका लोन कितने का है, 5 लाख का है, तो क्या बोलेगा, सर मैं आपको कितने रुपए दूंगा, 25 लाख रुपए दूंगा, कितने दूंगा, 25 लाख। मतलब मैंने असेट्स के अंदर से क्या करा, इसके अगेंस्ट, इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो क्या था, लोन था, उस अमाउंट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो एक्चुअल मैं उससे कितने पैसे मांगता हूँ सर, 25 लाख, कितने मांगता हूँ बड़ा, 25 लाख। ध्यान रखना मेरी बात को, मैं दोबारा आपको समझ लेते हैं, बोलो क्या, कि असेट्स जो किसकी पुरानी कंपनी की होगी उसकी कौन से ले लूंगा मैं, मार्केट वैल्यू लूंगा, और जो लायबिलिटीज होगी उसी कंपनी की, किसकी पुरानी कंपनी की, उसकी कौन सी लूंगा मैं, पेबल वैल्यू, कौन सी ले लूंगा बड़ा, पेबल, मतलब मुझे कितना पेमेंट करना है, ठीक है। आइए इस चैप्टर को अब हम आगे करेंगे, से क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, स्टडी करते, देखिए। हाँ तो देखिए, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा सर, क्वेश्चन मैंने पुरानी बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट बनाया, बेफिक्र रहा आपके क्वेश्चन में, अगर आपके पेपर के अंदर यानी एग्जाम के अंदर पुरानी बैलेंस शीट आया फिर नई बैलेंस शीट आया वो हम कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको समझाने के पर्पज से सर क्या पुराने तरीके से क्या बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ठीक है, और हम जो क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो नई बैलेंस शीट के करेंगे, फॉर्मेट से करेंगे, ठीक है। अब ध्यान सुनेंगे आपको, आपके सामने बैलेंस शीट किसी रखी है, एक्सेलरेट के बैलेंस शीट देखिए, उसने क्या बोला मार्सल कि बैलेंस शीट देखिए इसके अंदर कैश जगह कितना है, 2 लाख का, 6 लाख का आपका लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीन भी कितने का है, 1 लाख का, उसने बोला फर्नीचर कितने का है, 3 लाख का, उसने क्या बोला डेटर कितना बढ़ा था, 4 लाख का, गुडविल कितने की है, 8 लाख का, टोटल अमाउंट कितना होगा, 24 लाख का। अच्छा लायबिलिटी साइड कितना देखिए, शेयर कैपिटल कितना है, 10 लाख, डिबेंचर 10% कितना है, 6 लाख, क्रेडिटर कितना होगा, 8 लाख, टोटल अमाउंट कितना होगा, 24 लाख। अब ध्यान सुनिए, छोटी सी इन्फॉर्मेशन की, बहुत छोटा सिंपल सा एग्जांपल है मैंने, और एक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी, बोलो क्या, कि वाई लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ क्या, एक्स लिमिटेड एट द एग्रीड वैल्यू, एट द एग्रीड वैल्यू, मेरी बात सुनो, वाई लिमिटेड ने क्या करा, किसका बिजनेस परचेस कर लिया सर, एक्स लिमिटेड का बिजनेस कर लिया, परचेस कर लिया, टुक ओवर कर लिया, पकड़ लिया, ठीक, कितने में ले लिया सर, उसने कर लिया मशीनरी को लिया उसने कितने में, 2 लाख में, लैंड एंड बिल्डिंग कितने लिया उसने, 7 लाख में, सर बाकी है क्या, आपके माइंड में क्या डाउट होना चाहिए सर, बाकी का क्या हुआ, क्या उसने फर्नीचर नहीं लिया, कैसे डेटर नहीं लिया, कैसे गुडविल नहीं लिया, कैसे कैश ले लिया, मेरे बच्चे एक बात सुनना बहुत ध्यान से, एक बात सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, जब उसने एक बात बोलती क्या बिजनेस, क्या बोलते थे, जब बोलते क्या बिजनेस, तो बिजनेस वर्ड आते ही आपके दिमाग में बात स्ट्राइक होगी, बोलो क्या, कि उसने सारे का सारे जो असेट्स सारी सारी ले ली, सारी असेट को लिया अपने अंडर में ले लिया,
ठीक है, अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लिया। क्या क्या सर? वो कैश को भी कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा सर, लैंड एंड बिल्डिंग को भी कर लेगा, मशीनरी को भी कर लेगा, फर्नीचर को भी कर लेगा, डेटर को भी कर लेगा, क्या कर लेगा को भी कर लेगा। लेकिन सर ये दो वैल्यू के अंदर की है मेरे बच्चे, पास नाम से जो बैलेंस शीट के अंदर देखिए उसको मैं क्या बोलूंगा, बुक वैल्यू। क्या बोलूंगा सर? मैं बुक वैल्यू। और जो आपको जो नीचे वैल्यू देगा ना इसको मैं क्या बोलूंगा, मार्केट वैल्यू। क्या बोलूंगा मैं? मार्केट वैल्यू। तो जिस समय हम परचेज कंसिडरेशन की करेंगे, कंपटीशन करेंगे, उस समय हमें कौन सी वैल्यू देखनी होगी? ये वाली वैल्यू देखनी है? नहीं, हमें कौन सी वैल्यू देखनी है सर? ये वाली वैल्यू देखनी है, जो कि हमें क्या देखी होगी? नीचे देखी होगी। ठीक है, ठीक है। तो आइए सर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ठीक है, यहां पर हम क्या लेंगे, कंपटीशन ऑफ क्या आएगा, परचेस ऑफ, क्या आएगा, परचेस कंसिडरेशन, क्या आएगा ऑफ, क्या बोलो, परचेस कंसिडरेशन। ठीक है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म में पीसी। बहुत ध्यान से नहीं मिलेगा आपको, बहुत ध्यान सुना सर। क्या लेंगे सर? पहले हम क्या लेंगे, नजर हम लेंगे यहां पे लेंगे क्या, असेट, असेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी। डांस नहीं होगा तो क्या लिखा हुआ, असेट ऑफ क्या लगा, ओल्ड कंपनी टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, टेकन ओवर बाय क्या लगा, न्यू कंपनी एट मार्केट वैल्यू। क्या लिखा मैंने, एट मार्केट वैल्यू। सुन लो मेरे बात को, बहुत ध्यान से, क्या असेट ऑफ ओल्ड कंपनी टेकन ओवर बाय क्या न्यू कंपनी एट क्या मार्केट वैल्यू। हम कौन सी वैल्यू लेंगे इसमें? मार्केट वैल्यू। तो देखिए बच्चे, पहला अंतर क्या लेंगे यहाँ पे, कैश। जी हाँ सर, यहाँ पे क्या लिया जाएगा, कैश को भी लिया जाएगा सर, कैश को भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर। अगर आपको क्वेश्चन में कैश दे रखा है, जब टर्म यहाँ पे क्या लिख दिया उसने, बिजनेस लिख दिया। क्या लिख दिया उसने? बिजनेस लिख दिया ना, तो हम कैश को भी लेंगे, हम किसको लेंगे, डेटर को भी लेंगे। ठीक है, हम हर एक चीज को लेंगे जो किसने रखा होगा, असेट्स के अंदर रखा होगा। कैश बेटा आपका कैश का अमाउंट कितना है सर? 2 लाख का। सर कैश के बारे में कुछ क्या है? अरे कैश की कोई मार्केट वैल्यू होती है क्या? बोलो। अरे मुर्गो, कैश की कोई मार्केट वैल्यू होती है? नहीं होती ना। कैश तो कैश होता है। कैश 1.5 लाख का होता है उसकी वैल्यू इतनी है, कैश 2 लाख का होता है उसकी वैल्यू इतनी है। तो मुझसे मन बोला कि सर कैश की मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी। तो भाई कैश की मार्केट वैल्यू क्या होती है? जो बुक के अंदर होती है वही क्या होती है, उसकी वैल्यू वही होती है हमेशा। ठीक है, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट क्या बेटा आपका, लैंड एंड बिल्डिंग। क्या है बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग। कितना अमाउंट था सर? लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट रखा हमें कितना? 7 लाख। कितना अमाउंट रखा बेटा? 7 लाख का। 7 लाख का इसका अगर वो बैलेंस शीट में कितना रखा है? 6 लाख का। तो हम क्या यार अमाउंट लेंगे सर? नहीं, हम कौन सा अमाउंट लेंगे? ये वाला अमाउंट। कितना अमाउंट आया? 7 लाख। आगे सुनिए सर, नेक्स्ट क्या बेटा? मशीनरी। क्या बेटा? मशीनरी। मशीनरी कितना है सर? मशीनरी हमारा कितना है? 1 लाख का। लीजिए कितना अमाउंट है यहाँ पे? 1 लाख। अच्छा, आगे ना मुझे फर्नीचर की वैल्यू रखी है, ना मुझे डेटर की वैल्यू रखी है, ना मुझे किसी तरह की वैल्यू रखी है, गुडविल की वैल्यू रखी है। अब सर इसकी मार्केट वैल्यू क्या लेगी? आपके माइंड में तो क्वेश्चन आया होगा ना बेबी कि सर इन तीनों की तो कोई वैल्यू दे रखी क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा जी एक बात सुनना मेरी, आपको बहुत ध्यान से, क्या कि जो आपको बुक के अंदर वैल्यू दे रखी है वही क्या मानेंगे हम उसकी, एज्यूम कर लेंगे क्या मार्केट वैल्यू है। दोबारा बता रहा हूँ, जो उसकी क्या रखी है बुक के अंदर जो वैल्यू रखी है ना वही मैं क्या कर लूंगा, अज्यूम कर लूंगा क्या उसकी मार्केट वैल्यू। अगर किसी एसेट की वैल्यू नीचे नहीं दे रखी है, अगर किसी एसेट की वैल्यू, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर किसी एसेट की वैल्यू नीचे नहीं दे रखी है तो जो वैल्यू हमको उसकी क्या रखी है, बैलेंस शीट के अंदर रखी है, नहीं बुक के अंदर रखी है, वो जो बुक वैल्यू है वही क्या कहलाएगी, उसकी मार्केट वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखेगा फर्नीचर, फर्नीचर। फर्नीचर कितना है? 3 लाख का। आगे सर डेटर्स कितना अमाउंट है? 4 लाख। नेक्स्ट गुडविल कितना हो गया? 8 लाख। टोटल मान लीजिए टोटल कितना हो गया? 8 × 12 = 15 = 16 16 और 7 ये हो गया आपका कितना? 2527। कितना अमाउंट आ गए? 27 हो गया। टोटल मार देगा 10 10 25 ना, 60 हो गया बेटा आपका 25। कितना अमाउंट हो
गया 25, ठीक है ठीक है, कितना अमाउंट आ जाता 25। देखिएगा आप इस सिस्टम क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, क्या करेंगे बेटा माइनस, ध्यान सुनिए अपनी बात को, जब इस सिस्टम में माइनस करेंगे सर क्या माइनस करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था बोलिए सर, आपने हमें बताया था कि जब इस सिस्टम माइनस करेंगे तो बेटा एक चीज माइनस करेंगे, और उसका नाम क्या बताइए सर, सर उसका नाम है लाइबिलिटीज, क्या बोला था मैंने लाइबिलिटीज, पेबल वैल्यू ऑफ क्या लाइबिलिटीज, बेटा पेबल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, लाइबिलिटीज सर क्या शेयर होल्डर कंपनी की लाइबिलिटी होते हैं, दोबारा बोल रहा हूं, क्या शेयर होल्डर जो होता है कंपनी की लाइबिलिटी होता है, नहीं सर लाइबिलिटी क्या होती है आउटसाइड लाइबिलिटी, हम जहां पे बात करने आ रहे हैं हम किसकी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटी की बात करेंगे, तो कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो कभी भी क्या होता है कंपनी की लाइबिलिटी है नहीं आते हैं, हम हमेशा यहाँ पे जो लाइबिलिटी की वैल्यू लेंगे वो हमेशा कौन सी वैल्यू लेंगे आउटसाइड लाइबिलिटी की लेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे बेटा आउटसाइड लाइबिलिटी लेंगे, तो हमारे पास आउटसाइड लाइबिलिटी दो टाइप से, हमारे पास आउटसाइड लाइबिलिटी कितने टाइप से बेटा दो टाइप से, पहला कौन सा है डिबेंचर, दैट इज कॉल्ड क्या पेबल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, क्या लिखे मना पे पेबल वैल्यू ऑफ, क्या लिखे मना पे लाइबिलिटीज, देखिए कौन कौन सी है सर, पहला तो हो गया 10% क्या हो गया डिबेंचर, पहला क्या हो गया हमारे पास 10% क्या गया हमारे पास डिबेंचर, सर डिबेंचर कितनी वैल्यू सर 6 लाख, कितनी वैल्यू हो गई सर 6 लाख, सर उसके बाद क्या है हमारे पास क्रेडिटर्स, क्या है बेटा क्रेडिटर्स, ठीक है आज नेक्स्ट में क्रेडिटर्स हमारे चाहिए कितने, तो क्रेडिटर हमारे पास कितने 8 लाख के, तो 8 से कितना गए 14 हो गया सर, कितना आया भाई ये आगे बड़ा जीरो, क्या इसके अंदर हमारे साथ क्या क्या बताइए सर, इसके अंदर हमारे क्या सर कैश भी आएगा सर, क्या है लैंड बिल्डिंग है मशीन है फर्नीचर है कैपिटल है गुडविल है, आपने सर हमें एक बात बताई सर कैश की कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती है, कैश जितना हमें किसने रखा होगा बुक्स के अंदर रखा होगा, जितनी वैल्यू इसके अंदर किसने रखी होगी बुक्स के अंदर रखी वही वैल्यू हमेशा कहां पे आएगी यहां पर आएगी, और अगर हमें मान लीजिए किसी भी एसेट की मार्केट वैल्यू होगी तो हमेशा कहां पे देगा नीचे देगा, कहां पे देगा वो नीचे, कहां पे देगा अपने क्वेश्चन में नीचे देगा, अच्छा देखिए लैंड एंड बिल्डिंग कितने का 6 लाख का, पर हमें मार्केट वैल्यू क्या देखिए इसकी 7 लाख, इस मशीन भी कितने का 1 लाख का, इसमें कितने रखा है 2 लाख, कितने रखा है 2 लाख का, 5 हजार नहीं आ रही, उसके बाद और क्या बोला सर फर्नीचर, फर्नीचर हमारे कितने का 3 लाख, कितने बड़ा 3 लाख का, ठीक है फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं बोला, डेटर के बारे में कुछ नहीं बोला, उसके बारे में बोला वो गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं बोला, दोबारा बोल रहा हूँ गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो मेरी बात सुनना अगर वो कुछ भी नहीं बोला है, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो जानना जो बुक में दे रखा होगा वो क्या होगा उसका मार्केट वैल्यू होगा, जो बुक के अंदर दे रखा होगा वो क्या होगा उसका मार्केट वैल्यू होगा, ठीक है ठीक है, तो ध्यान सुनिए यहाँ पे कितना अमाउंट होगा 7 और 2 9 और 1 10 10 और 3 13 13 4 17 17 और 8 कितना बड़ा 25, तो टोटल वैल्यू कितना गया सर की 25, कितना बेटा 25, अच्छा इसमें हम क्या माइनस करेंगे सर पेबल वैल्यू किसकी बेटा लाइबिलिटीज की, लाइबिलिटीज कौन सी आउटसाइड लाइबिलिटी, कौन सी लाइबिलिटी बेटा आउटसाइड लाइबिलिटी, और आउटसाइड लाइबिलिटी के अंदर कभी भी क्या होगा शेयर होल्डर्स नहीं आते, आई रिपीट शेयर होल्डर नहीं आता, हमेशा कौन सी लाइबिलिटी आएगी आउटसाइड लाइबिलिटी, कौन सी लाइबिलिटी आएगी आउटसाइड लाइबिलिटी, चाहे वाले लॉन्ग टर्म हो चाहे वाले कौन से हो शॉर्ट टर्म, दोबारा बोल रहा हूं लॉन्ग टर्म हो या फिर कौन से हो शॉर्ट टर्म हो, ध्यान सुनिएगा हमारे पास क्या 10% डिबेंचर, आपके माइंड में क्वेश्चन आया सर ये 10% दे रखा है इसका इंटरेस्ट, सर क्वेश्चन में क्या कहीं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दे रखा है, क्या क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में लिखा हुआ कि हाँ भाई इंटरेस्ट क्या अभी भी आउटस्टैंडिंग है फिर पेबल है नहीं बोल रखा ना, तो आपको ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, आप ओवरस्मार्ट मत बनना कि नहीं सर हमें परसेंटेज लिखा हुआ हम तो इंटरेस्ट देंगे, हम तो इंटरेस्ट देंगे क्योंकि हमारे टीचर ने हमें बताया था कि परसेंटेज है तो इंटरेस्ट जाएगा, नहीं बेटा नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर नहीं बोला गया, क्वेश्चन के अंदर नहीं कहा गया कि इंटरेस्ट देना है, ठीक है ठीक है, तो जो अब क्या लाइबिलिटी की कोई पेबल वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, देखो जरा लाइबिलिटी कोई पेबल वैल्यू दे रखी है नहीं दे रखी सर, तो जो उसकी बुक वैल्यू है वही क्या क्या लाएगी उसकी पेबल वैल्यू, तो सर इसकी वैल्यू कितनी है 6 ऐसी कितनी है 8 टोटल कितना यहाँ पे हमारा 14, जब आप समझा रहे
पक्का भाई। तो आप काम करोगे असेंट में क्या माइनस कर दो, बताओ लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, यही हमारा क्या कहलाएगा, पीसी। क्या कहलाएगा बेटा, पीसी। पक्का क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन को स्टडी करा। तो बेटा हमने क्या स्टडी करा बताइए सर, आपने बताया उसके अंदर हम क्या, जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी की सभी असेट्स या लाइबिलिटीज को लेती है तो उनकी कौन सी वैल्यू को लेती है सर, असेट्स की लेती है मार्केट वैल्यू को, लाइबिलिटीज कौन सी वैल्यू को लेती है, पेबल वैल्यू को। तो हमने असेट की मार्केट वैल्यू से क्या माइनस करा था, पेबल वैल्यू को माइनस करा था। तो बच्चे हमें क्या मिला था, पीसी मिल गया था। अब जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड पर दो नोट लिखवाना चाहूंगा, दो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको अभी नहीं आने वाले बाकी सभी क्वेश्चन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे सर। दो नोट क्या है, डांस लिया वो नोट ये है कि द ट्रम्प बिजनेस, क्या बोला मैं यहाँ पे, द ट्रम्प बिजनेस इंक्लूड्स ऑल असेट्स, इंक्लूड्स ऑल क्या, असेट एंड लाइबिलिटीज, ऑल असेट एंड क्या, लाइबिलिटी ऑफ ओल्ड कंपनी, ऑफ क्या, ओल्ड कंपनी, वेदर अपीयरिंग इन बैलेंस शीट और क्या नॉट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नोट क्या है, नोट ये, अगर आपको कहीं भी टर्म जो लिखा है वो टर्म क्या बेटा, बिजनेस, आपको कहीं भी वर्ड क्या लिखा मिल जाए बिजनेस, कि यहाँ पे बिजनेस जो है परचेज किया जा रहा है, जब आपको वर्ड मिल जाए क्या बिजनेस क्या कर रहा है, परचेज किया जा रहा है, तो हम क्या जो सारी की सारी चलेंगे असेट को लेंगे और सारी सारी चलेंगे लाइबिलिटीज को लेंगे, चाहे बैलेंस शीट के अंदर दे रखी हो या फिर ना दे रखी हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या बेटा, अगर मान लीजिए किसी भी असेट की मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है, किसी भी लाइबिलिटीज की पेबल वैल्यू नहीं दे रखी है, तो अगर हम लोग को क्वेश्चन करना है तो जो उसकी बुक वैल्यू है और जो उसकी बुक जो उसकी बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है, इसकी लाइबिलिटी की वैल्यू दे रखी है, यानी कि असेट की जो बुक वैल्यू इसमें बैलेंस शीट के अंदर जो दे रखी है उसी वैल्यू को मैं क्या मानूंगा, मार्केट वैल्यू मानूंगा, और लाइबिलिटीज के लिए भी क्या हुआ, सेम कंडीशन है। ठीक है, ठीक है। अगर किसी भी असेट की लाइबिलिटी की क्या मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है, पेबल वैल्यू नहीं दे रखी है, तो जो उसकी बुक वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, उसकी मार्केट वैल्यू या फिर क्या पेबल वैल्यू। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, अब जो मेथड स्टडी करने जा रहा है उसका नाम क्या, नेट पेमेंट मेथड। देखिए जितना नेट असेट मेथड अच्छा था, सिंपल था, उससे कहीं ज्यादा सिंपल कौन सा है, नेट पेमेंट मेथड है। और एक बात जानिएगा, आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने पेपर के अंदर या फिर बुक्स के अंदर, वो ज्यादातर किससे करना है, नेट पेमेंट मेथड से करना है। क्यों? उसका रीजन ये बेटा बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा ईजी है, इसको करने में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। देखिएगा कैसे, आइए नेट पेमेंट मेथड। जी हाँ, क्या कहता है, नेट पेमेंट मेथड। ठीक है, ठीक है, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। क्या इसको करने के लिए छोटा सा मतलब हल्का सा एक फॉर्मूला, मतलब कैलकुलेशन का फॉर्मूला बस। देखिए यहां पे मैंने लिखा टू, टू का मतलब होगा क्या, ओल्ड कंपनी। क्या मतलब होगा बेटा, ओल्ड कंपनी। टू का मतलब क्या होगा, ओल्ड कंपनी। इन का मतलब जाएगा न्यू कंपनी। ठीक है, यहां पर मेरे बच्चे हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। और यहां पर क्या आएगा, कैलकुलेशन करने में क्या आएगा, उसका अमाउंट आएगा। क्या आएगा, उसका अमाउंट आएगा। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को, बहुत ध्यान सुनना। क्या किसे टू, तो ओल्ड कंपनी में एक बात और सर, नेट पेमेंट मेथड। देखो असेट मेथड में क्या था कि हम लोग क्या कर रहे थे, पेमेंट कर रहे थे। सर पेमेंट कैसे कर रहे थे पहले तो, सर हम पेमेंट कर रहे थे किसे, इक्विटी को। किसे कर रहे थे बेटा, इक्विटी को। और किसे कर रहे थे, प्रेफरेंस को। ठीक है, ठीक है। इन दोनों को कर रहे नहीं कर रहे थे, अरे पेमेंट कैसे कर रहे थे हम, इक्विटी का और क्या प्रेफरेंस को। सर कैसे कर रहे थे, सर हमने असेट की मार्केट वैल्यू में से लाइबिलिटीज की वैल्यू को माइनस कर दिया। अब जो अमाउंट आया, जो पीसी आया, उस पीसी को मेरे बच्चे हम किसे देंगे, इक्विटी को। किसे देंगे, प्रेफरेंस को देंगे। किसे देंगे हम, पीसी। किसे देंगे, इक्विटी और प्रेफरेंस को देंगे। लेकिन नेट पेमेंट मेथड के अंदर पता क्या हुआ, आपको असेट की वैल्यू नहीं देगा, आपको लाइबिलिटी की क्या वैल्यू नहीं देगा, पेमेंट वैल्यू क्या है वो आपको पता क्या देगा, वो आपको सीधा देगा कि हमने इक्विटी को कितना पेमेंट करा और प्रेफरेंस को पेमेंट कितना करा। जी हाँ, सही बता रहा हूं आपको। वो इस क्वेश्चन के अंदर इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है क्या, कि वो आपको सीधा बता देगा कि हमने इक्विटी को कितना दिया और प्रेफरेंस को कितना दिया, और इन दोनों की पेमेंट को अगर आप ऐड कर दो, यही आपको क्या बन जाएगा बेटा, पीसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पीसी। समझे सर मेरी बात को, मैं बता रहा हूं। उसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि हमने इक्विटी को कितना देना है और प्रेफरेंस को कितना देना है, वो हमें कैलकुलेट करके निकालना था। ठीक है, वो हम क्या कर रहे थे, उसको कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन इस मेथड के अंदर क्या होगा कि जो हमारा क्या होगा, इक्विटी होगा, हमारा क्या होगा, जो इक्विटी होगा हमने उसको कितना पेमेंट करा, और जो हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा हमने उसको कितना पेमेंट करा, ये इसके अंदर हमें क्या कर रखा होगा, दे रखा होगा। तो बस इन दोनों की पेमेंट का ऐड कर दो, लो जी लो आगे आपका पीसी। हाँ जी हाँ, आगे आपका पीसी। यही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीका एकदम। ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्या हम किसे करेंगे, ओल्ड कंपनी के किसे करेंगे पेमेंट, सर इक्विटी को पेमेंट करेंगे। इक्विटी मीन्स क्या, शेयर होल्डर या फिर ऑनर ऑफ क्या, कंपनी।
और इसमें किसे करेंगे हम, दो टाइप के हमारे क्या होंगे, शेयर्स होंगे, एक कौन सा होगा इक्विटी और कौन सा होगा प्रेफरेंस होगा। एक बात सुनना, इक्विटी और प्रेफरेंस को, इक्विटी और प्रेफरेंस को पेमेंट कौन करेगा, नई कंपनी करेगा। तो नई कंपनी को पेमेंट करने के ना कुछ ऑप्शन होता है कि वो इक्विटी और प्रेफरेंस को पेमेंट किस किस फॉर्म में कर सकता है। मैं दोबारा बता रहा हूं, जो पुराने कंपनी के जो शेयर होल्डर है यानी इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, वो न्यू कंपनी वाला जो है वो इन दोनों किस किस फॉर्म में क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। सर या तो वो इसे किस फॉर्म में कर देगा, कैश फॉर्म में कर देगा, या फिर वो इसके बदले क्या दे देगा, इक्विटी शेयर से देगा, इक्विटी क्या देगा, इक्विटी शेयर से देगा, या फिर क्या करेगा इनके बदले उन्हें क्या देगा, वो प्रेफरेंस क्या देगा, शेयर से देगा। ठीक है, ठीक है, कैश दे सकता है, इक्विटी शेयर दे सकता है, प्रेफरेंस शेयर दे सकता है, और क्या सकता है, साथ ही साथ डिबेंचर भी दे सकता है। जी हाँ, डिबेंचर भी दे सकता है। ठीक है, अच्छा एक बात, हमारा क्वेश्चन आपको गुमराह करने के लिए, आपको बेवकूफ बनाने के लिए बहुत बार क्या करेगा, डिबेंचर की पेमेंट भी दे देगा। किसकी पेमेंट दे देगा, वो डिबेंचर की पेमेंट भी दे देगा। जी हाँ, बहुत बार काम भी करेगा क्वेश्चन कि आपको गुमराह करने के लिए, आपको बेवकूफ बनाने के लिए, और डिबेंचर की पेमेंट भी दे देगा आपको। लेकिन एक बात सुनना, डिबेंचर क्या कंपनी के ऑनर होते हैं, सब नहीं होते, नहीं होते ना, कंपनी क्या होते हैं, लायबिलिटी होते ना, आपको ध्यान रखना। डिबेंचर जब हम लोग इसके पीसी की कैलकुलेशन को करेंगे, इसके नेट पेमेंट मेथड से जब पीसी कैलकुलेशन को करेंगे, तो डिबेंचर को होने वाली पेमेंट को हम इसके अंदर नहीं लेना है। मैं दोबारा बता रहा हूं, डिबेंचर की होने वाली पेमेंट को इसके अंदर नहीं लेना है। और यहाँ पर इन सब पे क्या जाएगा, कैलकुलेशन वाला अमाउंट जाएगा कि हमें कितना कितना, ये हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि हमें हमने कैश में कितना करा, इक्विटी में कितना करा, प्रेफरेंस में कितना करा, या फिर डिबेंचर में कितना करा। ठीक है, यहाँ पे इन सब पे क्या जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, और ये टोटल अमाउंट होगा, दैट इज कॉल्ड क्या बच्चे, पीसी। हम क्या बोलेंगे, पीसी बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, पीसी बोलेंगे। क्या मेरी बात समझा रही थी? हाँ जी, हाँ बात। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या बताया, मैंने आपको नेट पेमेंट मेथड के अंदर बताया, आपको क्या समझा कि देखिए इसके अंदर हमें सीधा सीधा क्वेश्चन बोल देगा कि हमने इक्विटी को कितना पेमेंट करा और प्रेफरेंस को कितना पेमेंट करा। तो इक्विटी के पेमेंट को और प्रेफरेंस के पेमेंट को, दोनों पेमेंट को क्या करोगे, आपस में ऐड कर दोगे, यही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, पीसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, पीसी। ठीक है, ठीक है, तो सर ध्यान रखना, और इन इक्विटी और प्रेफरेंस की को पेमेंट हम किस फॉर्म में कर सकते हैं, सर कैश के फॉर्म में, सर इक्विटी के फॉर्म में, प्रेफरेंस के फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, डिबेंचर के फॉर्म में कर सकते हैं। लेकिन अगर डिबेंचर को मान लीजिए हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं, कंसिडरेशन दे रहे हैं, ठीक है, उसकी पेमेंट को हम क्या करेंगे, पीसी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सब क्या होते हैं, कंपनी का ऑनर नहीं होते। ठीक है, ठीक है, इतनी बात तो जल्दी से नोट डाउन करो फटाफट, ताकि मैं अगला क्वेश्चन करूं। जैसे अभी हम क्वेश्चन को करने आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, नेट पेमेंट मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आ रहे हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में डिटेल क्या क्या दे रखी है। देखिए, हमें देखता है कि टोटल असेट ऑफ क्या, एक्सेलरेट कितने का, 21 लाख की, यानी 21 लाख की इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज क्या 10 ईच, और कितना अमाउंट है सर, 3,50,000, यानी कि 3.5 लाख रुपए। अच्छा, 3.5 लाख रुपए टोटल वैल्यू है, अगर मैं उसको 10 से डिवाइड करता हूं, नंबर ऑफ शेयर में कितना आ गया सर, 35,000 शेयर्स। तो शेयर आया बेटा 35,000 शेयर्स। आगे 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज क्या 10 ईच, तो बेटा जी एक बात आई, अमाउंट कितना है 5,50,000, 5,50,000 आप किससे डिवाइड करोगे 10 से, तो कितना है शेयर्स सर, 55,000 शेयर्स। कितना है, 55,000 शेयर है। ठीक है, नहीं अब ध्यान सुनिए, हमें जनरल रिजर्व भी दे रखा है, कितना 2 लाख का, लायबिलिटी में कितने रखिए सर, देने दे रखिए 10 लाख की। क्वेश्चन में बोला गया कि एक्स लिमिटेड वाज एब्जॉर्प्शन बाय क्या, वाई लिमिटेड इन द फॉलोइंग मैनर, मतलब एक्स लिमिटेड के बिजनेस को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, वाई लिमिटेड, और किस प्रकार से कर रहा है, देखिए आंसर कि वाई लिमिटेड विल इशूड, वाई लिमिटेड का क्या विल इशूड, कितने शेयर का, 3 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज क्या आएगा 10 इंच, ऑफ रुपीज 10 इंच एट 15 इंच, मतलब उसने बोला था कि 3 शेयर दूंगा, यहां सुनना क्या बोला था, 3 शेयर, देखो यहां से लिख लो, आपने एक चीज लिखूंगा ओल्ड, यहां पे क्या लिखूंगा मैं, न्यू, क्या लिखूंगा मैं ओल्ड, और क्या लिखूंगा मैं न्यू, यहां सुनना भाई, न्यू वाला क्या करा, क्यों कितने देगा 3 शेयर देगा, कितने देगा वो 3 शेयर देगा ऑफ रुपीज 10 इंच एट कितना 15 इंच, मतलब 10 रुपए वाला जो शेयर है वो कितने रुपए में देगा, वो 15 रुपए में देगा, कितने रुपए में देगा 15 रुपए में। जी हाँ, यानी वो 3 शेयर था, जो न्यू कंपनी है, जो न्यू कंपनी है वो इक्विटी वालों को, इसको बेटा इक्विटी वालों को 3 शेयर दे रही है, और कितने रुपए का दे रही है 15 रुपए का दे रही है। फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड बाय क्या इक्विटी शेयर, मतलब के जितने भी इक्विटी शेयर है, मतलब के अगर किसी इक्विटी शेयर होल्डर के पास 2 शेयर है ना, तो उसको कितने शेयर मिलेंगे 3 मिलेंगे, उसके 2 शेयर को हम कितने देंगे 3 शेयर देंगे।
उसका दो शेयर कितने रहने के बेटा, तीन शेयर में, और इसका शेयर की वैल्यू कितनी था, 10 रुपए। कितनी वैल्यू है, 10 रुपए। यानी कि टोटल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए जी शेयर होल्डर के पास दो शेयर होंगे, उनको हम कितने शेयर देंगे, 3 शेयर देंगे, और उसके 10 के शेयर को हम कितने में देंगे, 15 रुपए में देंगे। सर इस ये जो आपके सामने आई है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्वैप रेशियो। क्या बोलते हैं बेटा, स्वैप रेशियो। क्या बोलते हैं सर, स्वैप रेशियो। जी हाँ, स्वैप रेशियो। तो स्वैप रेशियो का मतलब क्या होता है, स्वैप रेशियो का मतलब होता है कि ओल्ड में न्यू के बदले कितना मिलेगा, ओल्ड कंपनी में न्यू कंपनी में कितना मिलेगा। और हमेशा ही पता ना, स्वैप रेशियो की खास बात बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से, स्वैप रेशियो की खास बात बता रहा हूं, क्या कि हमेशा हम किसको लेंगे, ओल्ड वाले को लेंगे। मतलब शुरुआत में क्या, कौन सा आएगा, हमेशा ओल्ड वाला, और बाद में कौन सा आएगा, न्यू वाला। ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या बताएगा कि 2 इक्विटी शेयर पर हम कितने दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, और 10 का कितने दे रहे हैं, 15 में दे रहे हैं। आगे उसने बोला था, वाई लिमिटेड विल इशू 5 प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज कितना, 10 ईच। 5 प्रेफरेंस शेयर ऑफ क्या, 10 ईच फॉर एवरी, फॉर क्या, एवरी प्रेफरेंस शेयर। एवरी का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक, यानी कि एक, यानी कि प्रेफरेंस वालों को, नाम सुनिएगा, यानी कि प्रेफरेंस वालों को, अगर अगर किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर पर एक शेयर है तो हम उसे कितना दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर किसी एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर पर एक शेयर है तो हम उसे कितने दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं। और ये जो है कितने रुपए का, ये भी 10 रुपए का। कितने का बेटा, 10 रुपए का। क्या बात समझाई, ठीक है, ठीक है। ध्यान से मिलाता आगे, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने आ रहे हैं। देखिए यहां पर लिखो मैं 2, क्या का ओल्ड, यहां पर हमारे क्या क्या बेटा, इन न्यू, और यहां पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, करेंगे कैलकुलेशन, और यहां पर हमारा क्या जाएगा, ओम। कैसे सर, ओल्ड कंपनी में पेमेंट किसी किसे हो रही है, सर पहली पेमेंट हो रही है सर किसे, इक्विटी को। क्या हो रही बेटा, इक्विटी को। तो बताइए इक्विटी को कितनी पेमेंट हो रही है, सर इसके 2 शेयर वालों को हम नई कंपनी के अंदर क्या दे रहे हैं, इक्विटी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इक्विटी दे रहे हैं। और कितने इक्विटी दे रहे हैं सर, 3। कितने इक्विटी दे रहे हैं, 3। अच्छा, और इसमें जो प्रेफरेंस वाले हैं, इसमें जो कौन से बेटा प्रेफरेंस वाले हैं, इन एक प्रेफरेंस वालों को हम कितने शेयर दे रहे हैं, 5। और किस फॉर्म में दे रहे हैं सर, इसको भी हम प्रेफरेंस की फॉर्म में ही दे रहे हैं। किसकी फॉर्म में दे रहे बेटा, प्रेफरेंस की फॉर्म में ही दे रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा सर, बताइए सर, बताइए सर, 2 वालों को मैंने कितने दिए सर, 3। 2 वालों को मैंने कितने दिए बताओ, 3। तो बताओ 35,000 वालों को मैंने कितने शेयर दिए होंगे, ये सुनना है। अरे दोबारा देख लो, 2 वालों को, यानी कि पुराने 2 वालों को मैंने कितने दिए सर, 3 दिए। तो बताओ पुराने 35,000 वालों को मैंने कितने दिए होंगे सर, ये टोटल आ गया 52,500। कितना गया, 52,500। उसके बाद अच्छा कितना अमाउंट है सर, शेयर का कितना अमाउंट है सर, 15। सर कितना अमाउंट है, 15। तो बच्चे कितना गया हमारा, 7,87,000। कितना गया, 500। कितना गया, 7,87,000। कितना गया, 500। ठीक है, ठीक है। आगे ध्यान सुनना सर, इसमें हम एक वाले को कितना दे रहे हैं सर, 5 दे रहे हैं। हम एक वाले को कितने दे रहे हैं सर, 5 दे रहे हैं। तो बताइए कितने शेयर है सर पुराने, सर 55,000 शेयर है सर। कितने शेयर है, 55,000 शेयर है। तो बताओ इसे कितना देंगे सर, ऐसा देंगे हम 27,000। हमारा 275,000। कितना गया, 275,000। अच्छा कितना, कितना रुपए का शेयर है सर, एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का। कितने का शेयर है, 10 रुपए का। तो यहाँ पे कितना गया, 27,50,000। कितना अमाउंट है टोटल, 27,50,000। सर ये किसकी पेमेंट आ गई, इक्विटी की। ये किसकी पेमेंट आई था, प्रेफरेंस की। अरे ये सब में आ गया, अरे बहुत सिंपल है। अरे पुराने वाले में जो एक शेयर है तो नए वाले में कितने दे रहे, 5। तो पुराने वाले 55 को हम कितना देंगे सर, 2,77,000। और शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। तो क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे इन दोनों की पेमेंट, हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सर। टोटल पेमेंट कितनी लगेगा, ऐड करिए,
ये हमारा ट्रुथ पेपर है, देख लीजिए ठीक है, समझ में आ गया पक्का ना यार? हल्का सा, हल्का सा। दो अलग बता दिया मैंने, तीन दिया। और देखिए पुराने में दो के बदले कितना मिल रहा है, तीन मिल रहा है, तो इसको कितना मिल गया है 52,500। शेयर करें कितना 15 हो गया, टोटल अमाउंट आ गया। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा, इक्विटी की पेमेंट, हमने यहाँ पे क्या देखिए बताओ प्रेफरेंस की पेमेंट, और इन दोनों की पेमेंट को मैंने ऐड कर दिया। सर इसका नाम भी हमारा क्या कहलाएगा, पीसी, दैट इज कॉल्ड क्या, पीसी। जी हाँ, ये हमारा क्या कहलाएगा, पीसी कहलाएगा। ये हमारा क्या होगा, परचेज कंसिडरेशन होगा। एक बात मैं आपको समझा दूं, देखिए नेट असेट मेथड और क्या नेट पेमेंट मेथड, सर दोनों मेथड में क्वेश्चन करना ईजी है, ठीक है, नहीं है। लेकिन सर बात यह कि हम क्वेश्चन जब हमारे पास एग्जाम में आता है, सर पर हमारे पास दोनों डाटा होते हैं, हमारे पास क्या होता है बेटा, दोनों डाटा होते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, दोनों डाटा होते हैं। तो हम क्वेश्चन को किस मेथड से करें, सर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो मैं आपको एक बता रहा हूँ, अगर आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो आप 99% क्वेश्चन करिएगा किससे, नेट पेमेंट मेथड से। किससे करिए बेटा, नेट पेमेंट मेथड से। जी हाँ, नेट पेमेंट मेथड से करिएगा। और एक बात मैं समझता हूँ सर, नेट पेमेंट मेथड से क्यों सर, क्योंकि सर ये थोड़ा इजी है। देखो ना, पहले हमने इक्विटी पेमेंट लिया, हमने किसकी पेमेंट को लिया, खाली प्रेफरेंस की पेमेंट को लिया, और सर हमें एक चीज देखी थी, बोला क्या सर, कौन सा स्वैप रेशियो, क्या है स्वैप रेशियो, मतलब ओल्ड को न्यू में कितना मिलेगा, ओल्ड को न्यू में कितना मिलेगा। अच्छा एक बात सुनो, नेट पेमेंट मेथड की मैं आपको दो तीन चीज खास बात बता दूं, बोलो क्या सर, पहली चीज तो ये होगी, बोलो क्या सर, एक तो इसके लिए हमें चाहिए कि भाई इक्विटी को कितना पेमेंट दिया गया होगा, किसे, इक्विटी को या फिर किसे, प्रेफरेंस को, किसको, प्रेफरेंस को। जी हाँ, ध्यान सुनिए मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, कि इक्विटी को कितना पेमेंट कराया गया या प्रेफरेंस को कितना पेमेंट कराया, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड। अगर क्वेश्चन में खाली इक्विटी रखा है तो बताओ इक्विटी की पेमेंट कितनी है, अगर क्वेश्चन के अंदर इक्विटी की पेमेंट रखी है, ध्यान सुनना ठीक है, और प्रेफरेंस की पेमेंट भी रखी है, तो ऑब्वियसली बात आप किसे फॉलो करोगे, नेट पेमेंट मेथड को फॉलो करोगे। अगर पेमेंट नहीं दे रखी, क्या दे रखा है दोनों के लिए, स्वैप रेशियो, क्या दे रखा है दोनों के लिए बताओ, स्वैप रेशियो, क्या गिवन है, स्वैप रेशियो। जी हाँ, अगर ठीक है, क्या गिवन है, स्वैप रेशियो गिवन है, तो भी हम कौन सा यूज करेंगे, नेट पेमेंट मेथड करेंगे। मेरी बात समझ आ गया, जी हाँ, क्या क्या समझना सर आपको, कि इक्विटी अगर प्रेफरेंस, अगर इक्विटी की पेमेंट और इसकी प्रेफरेंस की पेमेंट दोनों की बना है, अगर इक्विटी की पेमेंट और इसकी प्रेफरेंस की पेमेंट क्या है, दोनों की बना, तो हम कौन सा पेमेंट अप्लाई करेंगे मेथड, सर नेट पेमेंट मेथड, कौन सा मेथड, नेट पेमेंट मेथड। और अगर हमें ये दोनों के पेमेंट मेथड, सॉरी दोनों की पेमेंट अगर गिवन नहीं है, अगर दोनों की पेमेंट क्या है गिवन नहीं है, तो हमें क्या गिवन होगा, स्वैप रेशियो गिवन होगा। लेकिन अगर हमें ये भी गिवन नहीं है, हमें ये भी गिवन नहीं है, और हमें क्या ये भी गिवन नहीं है, तो हम भगवान थोड़ी ना है, और हम भगवान थोड़ी ना कि हाँ भाई नेट पेमेंट मेथड से कर देंगे, भगवान नहीं ना, क्या ब्रह्मा जी हो, क्या विष्णु जी हो, नहीं होना, तो फिर इसका मतलब क्या, जब हमें ये जब गिवन नहीं है, ये चीज गिवन नहीं है, तो सर क्या करेंगे, फिर हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे सर, नेट असेट मेथड, कौन सा बेटा, नेट असेट मेथड। जी हाँ, ये बात क्लियर हो गई पक्का ना, आधार ने किया बात क्लियर है, क्लियर है, चलिए इस बात पर नोट डाउन कर लो जल्दी से। मैं आपको एक बात सुनना देना, थोड़ा सा मतलब हल्का सा एक कॉन्सेप्चुअल चीज है, बहुत ध्यान सुनना मेरी आपको, बोलेगा सर अभी आपने देखा कि हमारे जो पीसी है यानी कि परचेज कंसिडरेशन है, उसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास कितना मेथड आया सर, दो मेथड आया, बोलो कौन कौन सा सर, पहला जो मेथड आया नेट असेट, ठीक है, और दूसरा हमारे पास कौन सा आता, नेट पेमेंट, कौन सा आया, नेट पेमेंट, कौन सा मेथड, कौन सा बेटा, नेट पेमेंट मेथड, ठीक है, नहीं है तो नेट असेट मेथड। तो नेट असेट मेथड मैंने क्या सीखा सर, हमने सीखा कि जो असेट है उसकी हमने क्या ले ली, मार्केट वैल्यू ले ली, मान लीजिए हमने क्या ले लिया 20,00,000 है असेट, मान लीजिए ठीक है, इसमें से मैंने क्या माइनस करा सर, आपने माइनस कर दिया लायबिलिटी को सर, कितना अमाउंट आ गया सर, 10,00,000 का, ठीक है, तो सर बताओ उसका पीसी कितना है सर, 10,00,000, कितना पीसी आ गया, 10,00,000। मैं दोबारा बोलता हूँ ठीक है, क्या असेट में से असेट की वैल्यू सर कितनी हमारे यहाँ पे सर, 20,00,000, कितनी वैल्यू सर, 20,00,000, 20,00,000 में से मैंने लायबिलिटी को माइनस करा, तुम्हारा पीसी कितना गया, 10,00,000 सर, ये 10,00,000 में किसे दूंगा बताऊं,
सर ये 10 लाख का था मैं किसे दूंगा, सर ये 10 लाख आप किसे दोगे, ऑनर को दोगे, किसे दोगे बताओ, ऑनर को, किसे दोगे ऑनर को, जो पुरानी कंपनी का जो ऑनर है बताओ, इस पुरानी कंपनी का ऑनर बताओ सर कौन कौन से होंगे, सर एक होगा हमारा इक्विटी या तो फिर हमारा कौन सा होगा प्रेफरेंस, या सर हमारा कौन सा बताओ प्रेफरेंस, क्या बात समझ आ रही है, दोबारा बोल रहा हूँ सर ये जो पीसी आया किस मेथड से आया, नेट असर मेथड से आया, ये हम किस देंगे सर ऑनर को देंगे, और ऑनर कौन कौन सा होगा इक्विटी, वो ऑनर कौन कौन सा बताओ प्रेफरेंस, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो 10 लाख जब मैं क्या करूंगा, अच्छा दूंगा, जब मैं 10 लाख दूंगा तो एक बात सुनना बहुत ध्यान से, नेट पेमेंट करने के अंदर सर हम किससे कैलकुलेट करते हैं सर, सीधा सीधा हम इसके अंदर निकाल लेते हैं कि हमने इक्विटी वालों को और किसको प्रेफरेंस वालों को, ध्यान सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम इक्विटी वालों को और किसको प्रेफरेंस वालों को कितना कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो एक बात सुनना, जो पेमेंट देखो रियल लाइफ की बात अलग है और जो हम पढ़ रहे हैं ना सर ये बुकिश नॉलेज है, बुक की नॉलेज है, ध्यान सुनना कि जो पेमेंट जो हमने पीसी किससे निकाला है, इस मेथड से निकाला है सर, वो इस मेथड में उतना ही आए ऐसा जरूरी नहीं है, अकॉर्डिंग टू द बुक, रियल लाइफ में उतना ही होगा, हाँ जी रियल लाइफ में उतना ही होगा, फिलहाल हमें बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करना था, मैं बुक के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जी हाँ ध्यान रखना, बहुत बार ऐसा होगा कि असेट्स की और असेट्स में से जब लायबिलिटी माइनस करेंगे तो पीसी कुछ और आएगा, और बहुत बार ऐसा भी होगा कि जो हमें पेमेंट देती है इक्विटी को और क्या प्रेफरेंस को, तो पेमेंट और जो पेमेंट देती है इक्विटी को किसको प्रेफरेंस को, पेमेंट क्या होगी अलग होगी, क्या होगी वो अलग होगी, तो ध्यान रखना इसका पीसी और इसका पीसी सर क्या होगा 90% क्या होगा सर, क्या होगा डिफरेंट होगा, क्या होगा 90% क्या होगा डिफरेंट होगा, ध्यान रखना मेरी बात को, 90% क्या होगा डिफरेंट होगा, 90% क्या बोलते आप 100% भी बोल लो अकॉर्डिंग टू द बुक, मैं दोबारा बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द बुक क्या होगा बेटा डिफरेंट होगा, 100% भी कह सकता है डिफरेंट हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो, रियल लाइफ में सर क्या हुआ सेम ही होता, पेमेंट हम क्या करते सेम ही करते, जी हाँ ठीक है क्या मेरी बात समझ नहीं आ रही है, ध्यान नाम की बात को कि इससे निकाला गया पीसी और इससे निकाला गया पीसी सर दोनों में क्या होगा डिफरेंस हो सकता ठीक है, ठीक है और बहुत बार होगा ठीक है, अच्छा एक बात सुनो ध्यान से सर, मैंने आपको अभी समझाने की जो क्वेश्चन होगा, अब मान लीजिए मेरी बात बहुत ध्यान से, अब मान लीजिए मेरी बात ध्यान से ठीक है, बहुत ध्यान सुनना, अब क्वेश्चन दे रखा मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा ठीक है, क्वेश्चन दे रखा ठीक है, क्वेश्चन में सारा क्या टेक है, असेट का भी है सर, लाइबिलिटीज का भी है ठीक है सर, इसमें क्या इक्विटी भी दे रखे हैं सर, बताओ क्या दे रखे मैम है, प्रेफरेंस भी दे रखे हैं ठीक है, नहीं क्या रखे बड़ा प्रेफरेंस दे रखे हैं, असेट भी है लाइबिलिटी भी है इक्विटी पर क्या है प्रेफरेंस भी है सर, इसका डाटा भी गिवन है सर, इसका डाटा भी गिवन है सर, इसका भी डाटा गिवन है, इसका भी डाटा गिवन है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर मेरी बात सुन ध्यान से, क्या गिवन नहीं है सर स्वैप रेशियो, क्या गिवन नहीं बेटा स्वैप रेशियो गिवन नहीं है ठीक है, क्या गिवन नहीं है स्वैप रेशियो गिवन नहीं है ठीक है, ठीक है तो मेरे बच्चे क्या बताओ क्या ये वाला मेथड अप्लाई होगा सर, नहीं अप्लाई होगा, फिर कौन सा मेथड से करेंगे हम असेट और लायबिलिटी से, यानी कि नेट असेट मेथड से, कैसे करेंगे नेट असेट मेथड ठीक है, ठीक है कैसे समझ आया पक्का, तो ठीक है आज की क्लास को हम इतना रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास में सर हम क्या करेंगे इसके होने वाले क्वेश्चंस के बारे में और डिस्कस करेंगे, अरे घबराना नहीं है, माना कि मैंने दोनों में भी एक ही एग्जांपल कराया है तो, लेकिन आने वाली जो क्लासेस होंगी उसके अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा ठीक है, ठीक है देखिए अब मैं दोबारा एक छोटा सा रिकॉल करा दूं, बोल के अमलगमेशन बोलो याद करो सर, अमलगमेशन क्या होता है सर, दो छोटे छोटे कंपनी मिलकर एक नई कंपनी को बनाती है, दैट इज कॉल्ड क्या अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है जब एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है ठीक है, उसके बिजनेस को परचेस कर लेती है, लेकिन इसमें नाम क्या होता है सर, बड़ी कंपनी के नाम से बिजनेस क्या करता है कैरी करता है ठीक है, ठीक है और एक्सटर्नल रिकॉग्निशन में क्या था जब एक पुरानी कंपनी अपने ही नाम पर क्या करते हैं चेंज करके बिजनेस को कैरी करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या एक्सटर्नल रिकॉग्निशन, नेट और हमने इसमें इस चैप्टर के अंदर हम कितनी चीजों को स्टडी करेंगे सर, तीन चीजों को, बोलो कौन सा, पहला होगा पीसी दैट इज कॉल्ड क्या परचेस कंसीडरेशन, पहला क्या होगा पीसी दैट इज कॉल्ड क्या परचेस कंसीडरेशन, दूसरा होता होगा सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ क्या आएगा ओल्ड कंपनी ठीक है, और तीसरा होता क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ क्या इन द बुक्स ऑफ क्या न्यू कंपनी, तो हमने पहला आज जो शुरुआत करी टॉपिक की उसका नाम क्या परचेस कंसीडरेशन, एक बार सुना था पीसी कभी कभी क्वेश्चन मैं जब पूछता था चार चार नंबर में भी अलग से पूछ लेता ठीक है, इसलिए हमने मैंने आपको पीसी को अलग से निकालना सीखा ठीक है, ठीक है अच्छा उसके बाद सर हमने पीसी मेथड क्या सीखा सर, पीसी सीखा दो मेथड नेट असेट मेथड और कौन सा नेट पेमेंट मेथड, तो नेट असेट मेथड के अंदर था सर क्या था सर, नेट असेट मेथड के अंदर ये था कि हमने सारी असेट्स की मार्केट वैल्यू में से क्या माइनस कर देता सारी मार्केट सारी पेबल वैल्यू ऑफ क्या लायबिलिटी को माइनस कर देता ठीक है, ठीक है उसके बाद हमने सर किसकी बात करी नेट पेमेंट मेथड की बात करी, तो नेट पेमेंट मेथड के अंदर हमने क्या सीखा था सर, हमने सीखा इसके अंदर सिर्फ इक्विटी वालों को कितना पेमेंट करा, इसके अंदर प्रेफरेंस वालों को कितना पेमेंट करा, उन दोनों को ऐड करो ये हमारे क्या होगा पीसी होगा अच्छा, और मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक चीज़ बोलो क्या सर, दोबारा बोलो सर स्वैप रेशियो, क्या बोला मैंने आप
स्वैप रेशो, दोबारा बोल रहा हूं स्वैप रेशो, स्वैप रेशो गिवन होगा तो हमारा क्या हुआ इसी मेथड से क्या होगा क्वेश्चन, ठीक है।